टाइप ऑफ जिग, जिग का कौन सा प्रकार है? ये जो आप आकृति में जिग देख रहे हैं, इस जिग का आपको नाम बताना है। यानी यह किस प्रकार का जिग है? सॉलिड जिग है, पोस्ट जिग है, टेबल जिग है, बॉक्स जिग है। तो यह कौन सा जिग है? तो यह जो जिग है यह है पोस्ट जिग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इज द नेम ऑफ द पार्ट फिक्स्ड इन ग्राइंडिंग फिक्सर, ग्राइंडिंग फिक्सर में तय किए गए भाग का नाम क्या है? आपको जो यह ग्राइंडिंग फिक्सर में यह इस भाग का क्या किया है नाम पूछा गया है। क्लैम्प्स है, टोंग्स है, कंपोनेंट है या ब्लॉक सेटिंग ब्लॉक्स है? तो यहाँ पर यह जो पार्ट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी। यह एक क्या है? कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि यह जो क्वेश्चन है हम जिग एंड फिक्सर के ऊपर यह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ इस चैनल पर टाइम टू टाइम आती रहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको इसके पहले भी बताया कि आपको 38 क्वेश्चन में से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर ड्राइंग के ऊपर यह क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप जो है ड्राइंग के क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझिए क्योंकि बाद में नहीं मालूम कि क्या आप पता आपको जो यह जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में आ जाए। इसलिए आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और ड्राइंग के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके देखिए। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम क्या है? यह जो आप आकृति में प्रोसेस देख रहे हैं यह कौन सा प्रोसेस है? ड्राइंग है, रोलिंग है, बेंडिंग है या सीनिंग है? क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। यह जो है यह क्या है? ड्राइंग। क्या है? ड्राइंग है ये। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूजफुल इन मार्किंग वायर फ्रॉम मेटल्स, धातु की कौन सी संपत्ति, क्या पूछा है क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, धातु की कौन सी संपत्ति धातुओं से तार बनाने में उपयोगी होती है? यानी जो भी धातु का ऐसा कौन सा गुण है जिससे कि हम उसको खींच के तार बना सकते हैं? हार्डनेस, इलेक्ट्रिसिटी, इलास्टिसिटी यानी लोच, डक्टिलिटी यानी लचीलापन या मेलेबिलिटी यानी बढ़ने की योग्यता? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो डक्टिलिटी होती है यानी जो लचीलापन होता है धातुओं के अंदर, वही गुण से क्या है, वही जो यहाँ पर धातुओं में एक खास गुण होता है उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। कौन से? डक्टिलिटी, इस यहाँ पर संपत्ति की मदद से। विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ अ थिन शीट, धातुओं की कौन सी यांत्रिक संपत्ति पतली चादरों के उत्पादन में फायदे आते हैं? देखिए यहाँ पर धातु की ऐसी कौन सी संपत्ति है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उसको पतली चादरें बना सकते हैं। यानी क्या होता है कि मान लीजिए यह एक हमारा सॉलिड ठोस है तो हम रोलिंग मशीन में इसको क्या कर सकते हैं, इसमें रोलिंग मशीन में डाल के उसको क्या कर सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं। जैसे कि यह इतना मोटा है तो हम इसको ऐसा लंबा और पतली सीट बना सकते हैं। तो यह गुण कौन सा है, यह पतली परत बनाने का या पतली परत में कन्वर्ट होने का गुण कौन सा है? डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, टेनेसिटी है या मशीनेबिलिटी है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मेलेबिलिटी है, बढ़ने की योग्यता। यही गुण जो है, यही जो संपत्ति है, यह पतली चादर का उत्पादन में फायदा है। यानी यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि मेटल के अलग अलग यहाँ पर गुण है उनके ऊपर यह क्वेश्चन है और इनमें से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से आते ही है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज डिस्क्राइबल टू मार्क रिवेट हेड, किलर की सिर बनाने के लिए हेतु, किलर के सिर बनाने के लिए धातु की कौन सी संपत्ति वांछनीय है? यानी कौन सी संपत्ति चाहिए, डक्टिलिटी चाहिए, मेलेबिलिटी चाहिए, टेनेसिटी चाहिए या मशीनेबिलिटी चाहिए? क्या क्या बनाने के लिए आपको, उसका सिर बनाने के लिए, रिवेट हेड्स। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जो मेलेबिलिटी होती है उसकी मदद से जो है या उसकी जो यह संपत्ति है यह धातु की सिर बनाने की संपत्ति में काम आती है या उसका यह गुण काम आता है। विच इंडेक्सिंग मेथड
विच इंडेक्सिंग मेथड द मूवमेंट ऑफ द प्लेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट फॉर अ टर्न ऑफ क्रैंक इज कंट्रोल्ड बाय चेंज गियर अरेंजमेंट। क्रैंक के एक मोड के लिए प्लेट गति को किस अनुक्रमण विधि से गियर परिवर्तन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? डायरेक्ट इंडेक्सिंग द्वारा, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग द्वारा, सिंपल इंडेक्सिंग द्वारा, एंगुलर इंडेक्सिंग द्वारा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? क्रैंक के एक मोड के लिए प्लेट की गति को किस अनुक्रमण विधि यानी डिफरेंशियल इंडेक्सिंग अनुक्रमण विधि से गियर परिवर्तन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों हमने इंडेक्सिंग के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर मिलिंग का जो भी प्लेलिस्ट है, मिलिंग मशीन, वह प्लेलिस्ट में आपको यह वीडियोस मिल जाएंगे या उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यह पूरा वीडियोस देखने के बाद वह वीडियो ज़रूर देखिए। विच इंडेक्सिंग मेथड द एक्सटेंडेड स्पिंडल इज फिटेड टू द रियर ऑफ इंडेक्सिंग हेड स्पिंडल। विस्तारित स्पिंडल किस इंडेक्सिंग विधि को हेडिंग स्पिंडल के पीछे की तरफ लगाया जाता है? डायरेक्ट इंडेक्सिंग, एंगुलर इंडेक्सिंग, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विस्तारित स्पिंडल किस इंडेक्सिंग विधि को हेडिंग स्पिंडल के पीछे की तरफ लगाया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग होता है उसमें हेडिंग स्पिंडल के पीछे की तरफ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? विस्तारित स्पिंडल। व्हाट इज द रेशो ऑफ अ वार्म एंड वार्म व्हील मैकेनिज्म इन अ सिंपल इंडेक्सिंग? सिंपल इंडेक्सिंग में यानी सरल अनुक्रमण में वार्म एंड वार्म व्हील पहिया तंत्र का अनुपात क्या होगा? 30:2, 30:3, 40:1, 40:2। तो इसका आंसर मैंने इसके पहले भी बताया है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट कर ज़रूर बताइए। और जिन भी कैंडिडेट को अगर आंसर पहले से ही उनको आता है या जिनको नहीं आता है, हम कमेंट जो सही आंसर है वह हम पिन कमेंट करेंगे। जिन भी कैंडिडेट का आंसर सही आता है उनका जो है कमेंट हम पिन करेंगे। फाइंड द इंडेक्स क्रैंक मोमेंट फॉर द क्रैंक रिक्वायर्ड टू इंडेक्स 16 डिवीजन। सूचकांक के लिए सूचकांक क्रैंक आंदोलन खोजे। 16 डिवीजन के लिए आवश्यक क्रैंक हमें खोजना है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूले का यूज करना होगा? कितना 16 डिवीजनों के लिए हमें क्या करना है? आवश्यक क्रैंक खोजना है, तो कौन सा यह क्रैंक होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2:1/2 टर्न में यहाँ पर जो है 16 डिवीजन के लिए आवश्यक क्रैंक आ जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से बड़ी विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।